क्या आप तैयार हैं इनसे सुनने के लिए मूवी के बारे में, इनकी जर्नीज के बारे में? लेट्स हियर इट। तो फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, मूवी की बात करते हैं। 1 दिसंबर नेटफ्लिक्स पर आ रही है फिल्म। बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है मैम जो आपने चुना है, तो मैं आप सबसे जानना चाहती हूँ, आपने एक दूसरे का काम देखा है? जी हाँ। तो मुझे बताइए कि व्हाट्स योर फेवरेट वर्क, आपके जो साथी है उनका सबसे फेवरेट काम आपका कौन सा है? ओ, तृप्ति का बताओ। तृप्ति का हम सबका सबसे फेवरेट काम कौन सा है? लैला मजनू या बुलबुल? हाउ मेनी ऑफ अस फॉर लैला मजनू? हाउ मेनी ऑफ अस फॉर बुलबुल? एंड स्वस्तिका मैम, आप, आई वॉन्टेड टू से क्रिमिनल जस्टिस हमने देखी, हमें बहुत अच्छी लगी, आपका काम बहुत अच्छा था। देन आई रियलाइज हर चीज में आपका काम बहुत अच्छा, मैं कैसे आपसे कहूँगी हमें ये अच्छा लगा। बट हाउ मेनी ऑफ अस लव क्रिमिनल जस्टिस? थैंक यू ब्योमकेश बख्शी। यस यस ओके। तो एक दूसरे के काम के बारे में मुझे बताइए, एक काम जो आपको पसंद हो, एक दूसरे का। मेरा तो कुछ काम निकला ही नहीं है मैम। तो आपने देखा तो होगा काफी। अपना खुद का काम नहीं इनका। हाँ तो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। हाँ, कोई भी स्टार्ट कर सकता है। देखो तृप्ति से वो होती है, मतलब इसका थोड़ी प्रॉब्लम होती है, बट इसका काम पोस्टर बॉयज से अच्छा है। आप देखोगे इसका काम पोस्टर बॉयज में भी अच्छा है। ओके। और स्वास्थ्य का मैम, you haven't watched anything? No, I have. Don't lie. I have. I watched Byomkesh. And okay, I think you were amazing. I think, but when you, I watched Kala, and you. अच्छा, Kala का नाम आ चुका है, वाह, अपनी फिल्म। I am the only one who has not seen the film. अभी मेरे को चिढ़ा रहा है बहुत ही ज़्यादा। आपने नहीं देखी, हम सब ने भी नहीं देखी, हम आपके साथ हैं। अच्छा, और अनमिता मैम, आप बताइए अनमिता मैम के बारे में। I have watched Bulbul. Bulbul, okay. Of course, I have worked in Kala, so I'll watch it. And I think I have listened to all the songs that she has written, and half the times I did not even know that it was written by Anvita, and later on I got to know and I was like, yeah, really? Haan. So I have like big fans and family friends. ये lyricist के साथ काफी होता है ना, इतना credit मिलता नहीं है, बोला नहीं जाता कि किसने लिखा है। आप बताइए मैम। मैंने स्वस्तिका मैम की ब्योमकेश देखी है, and I have seen Patal Lok also, and I loved her in both of them. She is, I think, an incredible actor. And in our film Kala also, she is just gorgeous. You will watch her and you will be like in awe of her. And of course, Babil ko bhi, abhi kuch release nahi hua iska. Par maine iske saath kaam kiya hai aur iske saath kaam karke mujhe kaafi achha laga. Abhi zyada iske saamne tareef nahi karungi. Par ladka hardworking hai, keh sakte hain. Ma'am, aapne inko pick kiya apni film ke liye. To casting hui kaise? I'll start with Babil. एक कास्टिंग एजेंसी है मेरी, उसका नाम है कास्टिंग बे। उन्होंने इसको ऑडिशन किया, इसकी इट्स सो हैपन्ड इसकी बचपन की जो दोस्त है जो इसके साथ स्कूल में पढ़ी है वो मेरी फिल्म में काम कर रही थी एज अ असिस्टेंट, डायरेक्टर्स असिस्टेंट, और उसने रेकमेंड किया कि इसको भी ऑडिशन करके देख लेते हैं बिकॉज वी आर लुकिंग फॉर अ बॉय दिस एज ऑफ दिस टाइप। तो Babil was chosen because of his audition. Like he said, usne aur kuch abhi kiya nahi, so it had to be his audition. I just saw Jagan. Jagan's my character, and there is it's a thing that can't be described. So it's not like you can't describe it. Aapko apna character dikhta hai kyunki aapne likha hai. Aapko dikhta hai kuch ek gesture mein, hansi mein. Suddenly you see your character. So that's how. तृप्ति के साथ तो मैंने बुलबुल की है, तो उसके बाद मतलब मैं बेवकूफ ही होंगी अगर मैं उसके पास वापस ना जाऊं। सो शी इज सो टैलेंटेड, तो वो तो आई हैड टू गो टू हर और मैंने बोला हाँ बोलेगी बिकॉज इट्स शी इज अमेजिंग एंड आई वांटेड हर टू बी, इफ आई हैड माय वे मैं इसको अपनी हर पिक्चर में डाल दूँ। मैंने क्या किया? नहीं नहीं, अभी तो पहुंच रही हूँ ना, इट्स इन ऑर्डर, इट्स इन ऑर्डर, ये हर पिक्चर वाला। नहीं नहीं, आई एम यू आल्सो नो मिस्टर, मतलब आई एम कमिंग वन बाय वन। नो, आई जस्ट वांट टू हियर दैट हर पिक्चर लाइन, नथिंग एल्स, बस वही आप बोल दो एक बार। सो स्वास्तिका आई मेट फॉर अ कॉफी और मैंने उसकी आंखों में देखा कि उसने जिंदगी देखी है और वो मेरे लिए काफी था।
फॉर हर टू बी उर्मिला एंड स्वास्तिका को ऑडिशन नहीं किया. आई मीन बेवकूफ़ी होगी स्वास्तिका को ऑडिशन करना. द ओनली टाइम आई हैव नॉट ऑडिशनड, ओनली टाइम लाइक नॉट इन बंगाल, आई हैव नेवर ऑडिशनड इन बंगाल, बट द ओनली हिंदी वर्क दैट आई हैव डन फॉर विच आई हैव नॉट ऑडिशनड इज कला. एंड आई थिंक इट इज़ द मोस्ट डिफिकल्ट कैरेक्टर. एंड पता नहीं अनविता का दिमाग खराब हो गया था उस दिन. दैट्स अ फर्स्ट. बट आपने बंगाली मेंशन किया, आप प्लीज़ हमारे सारे ऑडियंस जो यहाँ पर है और ऑनलाइन देख रहे हैं, आप बंगाली में उनसे कुछ कहिए. এখানে কারা আছে যারা বাংলা বোঝে, বাংলায় কথা বলে? অনেক লোক আছে. আমি একটু আগে এখানে আসার সময় বলছিলাম যে ওখানে গিয়ে আমি যদি দেখি যে অডিয়েন্সে বাংলা লোক আছে, তাহলে আমি বাঙালিরা আছে আমি বাংলায় কথা বলবো. সারাক্ষণ ধরে এত ইংরেজি আর হিন্দি বলে আমার সাফোকেটিং লাগছে. সো গুড, আই উইল গিভ আনসার্স ইন বেঙ্গলি. সমাজ মে নাই আয়া, ট্রান্সলেট ফর ইউ. সমাজ মে নাই আয়া, বাট শুনকে আচ্ছা লাগা. আপনি आपसे हम एक बहुत प्रेसिंग सवाल पूछना चाहते हैं, पाताल लोक 2 कब आएगी? आई एम नॉट देयर सो आई डोंट नो. यार बहुत दिल टूट चुके हैं. नोबडी फ्रॉम पाताल लोक इज देयर इन पाताल लोक 2, सो इट्स अ वेरी सैड क्वेश्चन फॉर अस. शूटिंग चल रही है भाइयों, इनसाइड इंफॉर्मेशन. ओके बाबे, आप इंस्टाग्राम पे काफी गा के वीडियोस डालते रहते हैं. मैं अभी नहीं गा सकता. आप अभी गा आप पर डिपेंड करता है, आप देखिए है ना, आप करने वाली थी ना, आप कहने वाली थी ना. ये सो यू ओनली सिंग फॉर योर इंस्टाग्राम फॉलोअर्स? आई एम वेरी शाय. अभी वी विल डू इट. हम आपका साथ देंगे. हम देंगे कि नहीं इनका साथ? नहीं नहीं, ए भाई लोग, यार यार चलो चलो 1 2 3. आपको लगता है आप बोलोगे? हाँ तो ललन टॉप का स्टेज है, ऐसा होता रहता है. बताओ ना, ऐसे थोड़ी आप. अच्छा अच्छा, गाना भी बता दे. नहीं नहीं, एक सेकंड भाई. हाँ, देखो तृप्ति को गाते हुए सुना है? हाँ सुना है. अनफॉलो कर दो उसको आज, अगर नहीं गाएगा यहाँ पे अनफॉलो. अनफॉलो हिम ऑन इंस्टा. चलो 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 चलो, आई कांट सिंग, आई कांट बिकॉज़ आई टेल यू व्हाई. आई हैव अ ग्रुप. आप सब इनको डीएम करोगे और बोलोगे कौन सा गाना चाहिए, ठीक है? इंस्टाग्राम पे गवाएंगे हम इनसे 100%. और एक चीज में पूछना चाहती हूँ, इवन एज एक्टर्स, और आपको ये एहसास हुआ होगा अब कि द लेगेसी ऑफ योर डैड इज इट्स अनटचेबल, है ना? वो एहसास कब हुआ एज एन एक्टर कि वो पहले से आपको हमेशा पता था? अरे सो एक्चुअली व्हाट हैपेंड वाज द फर्स्ट टाइम आई टोल्ड बाबा, आई जस्ट वांटेड टू बी एन एक्टर. आई वेंट एंड मैंने बाबा को बोला, बाबा मुझे एक्टर बनाए. बाबा ने बोला, भाई तुम्हारे लग गए. आई वाज लाइक व्हाई, व्हाट डू यू मीन? और तब मुझे एहसास हुआ क्योंकि उन्होंने मुझे कहा कि भाई मैं बहुत हाई लेवल एक्टर हूँ, तुम्हें बहुत मेहनत करनी पड़ेगी. तब मुझे एहसास हुआ कि हाँ. आप जब खुद एक्ट कर रहे हो तो पता लगा उनका उनका वो शब्द का मतलब क्या था पहले से? एंड आई उनकी लेगेसी सिर्फ एक्टर बनने के बारे में नहीं, उनकी लेगेसी आप कैसे इंसान हो उसके बारे में भी है. मतलब बिकॉज आई थिंक ही वॉज अ ह्यूमन बीइंग एंड दैट्स व्हाट हिज लेगेसी वॉज अबाउट. ऑल्सो नहीं नहीं, ऑन अ पर्सनल नोट मैं आपको बता सकती हूँ, बहुत कलाकारों से बातचीत होती है हमारी, और जब भी उनसे पूछते हैं कि कब सोच लिया कि एक्टर या एक्ट्रेस बनना है या किसको देख के आप इंस्पायर होते हो, उनका नाम बहुत बार आता है. तो आप लोगों को अभी ऐसा लगा उनका कोई काम देख के कि आप इंस्पायर हुए, कुछ देख के लगा कि अरे ये कैसे किया, ये तो बहुत सही किया था एज एन एक्टर? या पांच और एक और पान सिंह तो भाई मैं इसके मैं बहुत एक्साइट हो जाता हूँ. ऐसे तो आप मुझे बाबा के बारे में क्वेश्चन पूछो मैं बोलता रहूँगा, पर पान सिंह तो बस मैम एक सीन है नेमसेक में जब है ना वो एक सेकंड सबके साथ बातचीत हो रही है. हाँ तो नेमसेक में एक सीन है जब उनको फोन आता है और फोन पे उनको बताया जाता है कि उनकी वाइफ है, उनके फादर के हस्बैंड पास हो चुके. उनका कुछ डायलॉग नहीं है, उन्होंने बस फोन उठाया और इन्फॉर्मेशन रिसीव की. वो मेरा ऑल टाइम फेवरेट है. उसमें उन्होंने कुछ नहीं कहा पर इतना कुछ कह दिया ना मुझे. मैं वो मिस्ट्री है कि कैसे बिना डायलॉग के बिना वो मतलब आपके अंदर की दुनिया को जागना पड़ेगा अगर वैसी एक्टिंग करनी है तो, और वो ही जर्नी है अब मुझे ऐसा लगता है. आपके लिए ऐसे कोई मोमेंट्स है कोई भी फिल्म से उनकी? आई एम वेरी बैड विथ दिस क्विज थिंग. इट्स ओके, कोई प्रेशर नहीं है. माय हेड गोज ब्लैंक. कोई प्रेशर नहीं है. आपके लिए कोई ऐसा मोमेंट जो स्टूड आउट हुआ कि आपको लगा कि फॉर इरफान जी? अरे उनकी सारी फिल्में, मतलब उनको जज करना मेरे लिए मतलब ये मैं सोच भी नहीं सकती कभी कि मैं उनकी परफॉर्मेंस को कभी जज करूँ एज एन एक्टर, बिकॉज
वो इधर हैं और हम अभी शुरू कर रहे हैं. उनकी सारी फिल्में, कोई भी फिल्म हो, नेम सेक हो या लंच बॉक्स हो या पीकू हो, मुझे उनकी हर परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छी लगी. एंड ऑनेस्टली लाइक ही इज़ वन ऑफ द बेस्ट. अनटचेबल. अनटचेबल, अनटचेबल. आपका जो फिल्म का सब्जेक्ट है ब्यूटीफुल, बहुत बेसिक लेवल हम सब ये एक्सपीरियंस करते हैं. हमने जो ट्रेलर से देखा, एक आर्टिस्ट है और एक आर्टिस्ट इज अपकमिंग, तो वो फीलिंग्स ऑफ इनसिक्योरिटी, ईर्ष्या, जो भी है, हम सब ने महसूस किया, आर्टिस्ट महसूस करते हैं. कभी रियल लाइफ में आपने वो रिसेम्बलेंस हुई है, सेम फीलिंग्स, और आप उसको कैसे कंट्रोल करते हो उस पर? फिर हाउ डू यू गेन एक्सेस एंड देन बी लाइक आई हैव टू डील विद दिस एज एन आर्टिस्ट, एज अ ह्यूमन बींग, और उसको फिर वश में कैसे करते हो? मैं इंट्रोवर्ट टाइप की हूँ, घर पे बहुत रहती हूँ, ज़्यादा लोगों से मिलती नहीं हूँ, तो ईर्ष्या फील करने का चांस ज़्यादा मिलता नहीं है. हैविंग सेड दैट, सी इट्स अ कैरेक्टर स्टोरी, यू आर राइट, यूनिवर्सल है, सब लोगों को फील होता है. एंड ये हमारा काम है एज राइटर्स टू ऑब्जर्व ह्यूमन बिहेवियर एंड हमारी जो फ्लॉज होती हैं, और उसको एक यू नो बर्ड्स आई व्यू से देख के उसके बारे में कहानी लिखना, ये हमारा काम होता है. खुद के साथ आई थिंक ईर्ष्या तो नहीं, व्हाट यू ट्राई टू डू इज कि आप कंपीट करो तो खुद से, इंस्पायर हो तो सबसे, तो उससे आसान सा हो जाता है. आप सबके लिए जो ये फिल्म के कैरेक्टर्स महसूस करते हैं, आपने रियल लाइफ में महसूस किया होगा, तो उस पर फिर आपने कैसे कंट्रोल? और जस्ट टू गेट बेटर, सीइंग अदर, आई थिंक आई जस्ट ऑलवेज वांट टू बी बेटर देन माय लास्ट परफॉर्मेंस. दैट हैज ऑलवेज बीन माय व्हाट आई वांटेड टू अचीव. इट वाज नेवर दैट आई वांट टू बिकम लाइक समबडी एल्स, और आई वांट टू बिकम, आई वांट टू, माय परफॉर्मेंस शुड become like somebody else, or I want to be better than somebody else. I want to be better than how I was in my last work. So Criminal Justice season 3 has come out on OTT. I want people to see Kala, watch Kala, and think that I have done better than what I have done in Criminal Justice. That has always been my lookout for the last more than 2 decades. And because you know, if you're constantly looking at what others are doing, you waste a lot of time in your life. And for female actors, the time is either way very less. So thanks to OTT now, that we are getting the chance to play so many more characters, and we are getting the chance to explore and do so much. But till it was just about halls, what would I like really do now? I am in that age where I can't play a mother to a hero, and I can't play a heroine to a hero. So I would like do nothing. नहीं, हम सब भी बहुत as viewers grateful हैं OTT के लिए, हमें बहुत कुछ देखने मिलता है. So you know, we get to see talents from all over the country, and we are getting to play so many characters. Otherwise, I don't think anybody would have approached me or thought of me to play somebody from the Himachal or the hills. I would do more of work in Bengal, but I would always play a character which is Bengali, not someone who is not a Bengali, not someone like Urmila or Avantika Ahuja or you know Dolly something else. So I just want people to see my work and think that I'm better than my last, not that I'm better than someone else. But of course I do want to do a lot of work, and I also want to do the work that other people are doing. I would be lying if I said that I've never been jealous or I've never been insecure of anybody. I have been, but हमें सच्चाई बहुत पसंद है, तो भी हाँ. पर आई थिंक हमें बस इन चीज़ों को अपने ऊपर हावी नहीं होने देना चाहिए. देर वॉज अ पॉइंट जब मैं नई आई थी और चीज़ें सीख ही रही थी और देख रही थी कि काफ़ी लोग काफ़ी कुछ कर रहे हैं, तो आया था मेरे अंदर भी काफ़ी जेलसी और काफ़ी इनसिक्योरिटी. बट आई थिंक विद टाइम यू लर्न टू डील विद इट बेटर, एंड जेलसी इज एज नॉर्मल एज यू नो आई फील हैप्पीनेस और सैडनेस. It happens to everybody. Everybody faces it. It's just that जहाँ आप jealous होते हो वहाँ आपको एक मौका मिलता है देखने का कि किस चीज़ में आप सुधार ला सकते हो. मतलब आप अगर उसे उस नज़रिए से देखें तो आप काफ़ी चीज़ें बदल सकते हो अपने बारे में. And I look at it like that. हर बार नहीं, पर कभी कभी manage कर लेती हूँ. It's only human. आपने कैसे choose किया कि इस film से मैं अपना
बड़ा ऐसा डेब्यू करने वाला हूँ आपको. मेरे को ये वर्ड डेब्यू से ही नफरत है. मुझे लगता है क्यों डेब्यू डेब्यू डीएनए में है. चलो डेब्यू होता है ना, लाइक आप स्टोरी या फिल्म से बड़ा आप आदमी को क्यों बना रहे हो, होता है ना वो. मेरे को नहीं फर्क पड़ता मेरा डेब्यू कब होगा कैसे होगा. मुझे बहुत मेरे लिए ग्रेटिट्यूड की बात है मेरे लिए कि मैं इस पिक्चर से मेरी जर्नी बिगिन कर रहा हूँ. वेर आई एम सपोर्टिंग अ फीमेल लीड एंड आई थिंक दैट इज बिगर देन डेब्यू. व्हाट डू यू थिंक जिशा? एक सेकंड ऑडियंस. हाँ, पीछे तक मेरी आवाज पहुंच रही है. बाबिल, मैं आपको एक कहानी सुनाना चाहता हूँ. यस. आज से 6 बरस पहले जब हमने इस सिलसिले की शुरुआत की थी जिसका नाम लल्लन टॉप है, तो जो सबसे पहली हस्ती, तब हमारे पास कैमरे नहीं थे, माइक नहीं थे, कोई इस तरह का इरादा भी नहीं था बाबिल कि हम लोग कभी वेबसाइट या टेक्स्ट से वीडियो की दुनिया में दाखिल होंगे. हम एक ख्याल थे जो हर्फ के जरिए, शब्द के जरिए अपने हिस्से का बयान दर्ज करा रहे थे. एक रोज हमें खबर मिली कि जिस इंडिया टुडे ग्रुप की बिल्डिंग से हम ऑपरेट करते हैं वहाँ एक कमाल के एक्टर आए हैं. ऐसे एक्टर आए हैं जिनकी एक फिल्म पर हम लोग JNU में क्विज खेला करते थे. फिल्म का नाम हासिल. और एक्टर का नाम इरफान, इरफान भाई. हमें खबर मिली, फिल्म मदारी का प्रमोशन चल रहा था. जिन लोगों को शूट का अंदाज़ा नहीं उनको बता देता हूँ, वैसे भी मैं आपको सब बताता हूँ, आप मेरे परिवार का हिस्सा हैं, आप मेरी ताकत हैं, मेरा मान है. इरफान भाई पैनल पर बैठे थे, अपने हिस्से की ज़रूरी किस्म की मुठभेड़ कर रहे थे कट्टरपंथ के साथ, और PCR में आपकी माँ बैठी हुई थी, सुतापा मैम. मैंने जाके उनको बताया, बहुत झिझकते हुए, छोटी सी वेबसाइट, 7-8 लोग काम करते थे. मैंने कहा, मैम नमस्ते, मेरा नाम सौरभ है, हम लोग एक छोटी सी वेबसाइट चलाते हैं लल्लन टॉप के नाम से, और इरफान भाई के काम के बहुत बड़े फ़ैन हैं. सुतापा मैम का, इरफान भाई की पत्नी का, बाबिल की माँ का जवाब था, हाँ हम जानते हैं इरफान, आपको बहुत पढ़ते हैं, बहुत सराहते हैं. बाबिल, वो हमारी जिंदगी का, हमारी लल्लन टॉप जिंदगी का पहला इनाम था. इरफान भाई हमारे न्यूज़ रूम में आए, उन्होंने बात की, उसके बाद भी सिलसिला चलता रहा. मुझे पता है कि दुख हमें बहुत अकेला करता है, बहुत पर्सनल होता है, बहुत व्यक्तिगत होता है, पर इरफान भाई के जाने का दुख जितना व्यक्तिगत था उतना ही सामूहिक था. मुझे नहीं पता था कि कभी मैं तुमसे स्टेज पर इस तरह से मुखातिब होकर अपने हिस्से का बयान दर्ज कराऊंगा लल्लन टॉप की ऑडियंस के सामने. एक व्यक्तिगत बात और बता देता हूं, हम जर्नलिस्ट को यह सिखाया जाता है कि आपको कभी अपने इमोशंस कैरी नहीं करने, आपको बहुत ऑब्जेक्टिव रहना है. कभी आपको अपने हिस्से की हंसी और खुशी और आंसू जाहिर नहीं करने हैं. रजत सेन कहाँ पे हैं, अमितेश कहाँ पर हैं, प्लीज कम. ये हमारे प्रोडक्शन हेड हैं रजत, और वो हमारे डेप्टी प्रोडक्शन हेड हैं अमितेश. कोविड का पहला फेज था, हमें पता था कि दुनिया अपनी धुरी पर घूमना नहीं रुक रही है. हिंदुस्तान को भले ही एक सरकारी फरमान और एक हेल्थ इमरजेंसी के जरिए अपने घरों में रुकना पड़ रहा है, लेकिन जर्नलिस्ट के तौर पर हमारी जिम्मेदारी है कि हम लगातार आपको आपके हिस्से की खबरें पहुंचाते रहें. मेरे घर में एक स्टूडियो लगा था, इस दौरान मैं सिर्फ 2 दफ़ा रोया. पहली दफ़ा तब जब मुझे पता चला कि कोविड के चलते मेरे चाचा जी का देहांत हो गया, जो मुझसे कई बरस नाराज़ रहे, क्योंकि उनके हिसाब से मैंने एक पाप किया था, और मेरा पाप ये था कि मैंने अपनी मर्जी की लड़की से अंतरजातीय विवाह किया था. पर कहानी यहाँ खत्म नहीं होती है, संभावनाएं कोमा के बाद जिंदा होती हैं. अपने आखिरी दिनों में उन्होंने मुझे माफ कर दिया था, और अस्पताल के बिस्तर से व्हाट्सएप पर मैसेज भेजा करते थे कि तुम बहुत अच्छा काम कर रहे हो और मुझे बहुत गर्व है, लेकिन मैं अपने हिस्से का सम्मान उन्हें नहीं दिखा पाया.
और दूसरी बार हमारा पूरा घर पर बना हुआ स्टूडियो फफक फफक के तब रोया था जब हमें खबर मिली कि इरफान भाई नहीं है। मुझे पता है कि एक ऐसे मंच पर जहां लगातार चीयर हो रहा है, एक फिल्म का प्रमोशन हो रहा है, सब अपने अपने हिस्से की खुशी यहां से लेकर जाना चाहते हैं, पर मुझे ज़रूरी लगा कि आपको बताया जाए कि इन रोशनियों के बीच जो आपको चकाचौंध चेहरे नज़र आते हैं, जो पर्दे पर नज़र आने की वजह से आपको कभी कभी दिव्य लगते हैं, अद्भुत लगते हैं, उनके भी दुख होते हैं, उनकी भी पीड़ाएं होती हैं। और जब जीशा के आखिरी सवाल पर बाबिल ने लोकप्रियता के सारे तौर तरीकों और मुहावरों को किनारे रखकर अपने भीतर के सात्विक गुस्से के साथ ये कहा कि मुझे इस डेब्यू शब्द से परहेज है, तो मुझे लगा कि मेरे हिस्से के इरफान भाई अभी मौजूद हैं। थैंक यू सो मच। मैं एक्चुअली आपके सवाल की तरफ हम बढ़ेंगे, उससे पहले मैं धन्यवाद कहना चाहती हूँ सौरभ सर से। ग्रीविंग कलेक्टिव भी होती है, कोई अकेले नहीं ग्रीव करता। जब भी लोगों से आप बात करते हो, इंटरव्यू करते हो, और वो जब भी कहते ना कि हम इरफान से इंस्पायर हुए, ऑटोमेटिकली आंखें भर आती है। और आज हम सब हमने ये जो शेयर किया, बहुत पावरफुल एक मोमेंट। वो घाव शायद भरने में पता नहीं वो भरे ना भरे, बट आज थोड़ा 1% हम बेहतर फील करें। आपके सवाल जी, आपका हाथ पहले ऊपर गया है, मेरी साथी आपकी तरफ बढ़ रही है। प्लीज़ आपका नाम बताइए और शॉर्ट में अपना सवाल बताइए। मेरा नाम मोहित है और मेरे पास कुछ सवाल नहीं है, मेरे पास बाबिल के लिए कुछ है। ठीक है, तो थोड़ा सा जल्दी जल्दी जी। सो बाबिल, यू नो आई एम वन ऑफ देम। जिस दिन इरफान सर की खबर मिली थी, मैं पूरी रात रोया था और मैंने पूरी रात इरफान जी का एक गाना गाया था अपने बेडरूम में रोते हुए, विच आई वॉन्ट टू You know, sing it for you. It is मैंने दिल से कहा ढूंढ लाना खुशी, ना समझ लाया गम तो ये गम ही सही। मैंने दिल से कहा ढूंढ लाना खुशी, ना समझ लाया गम तो ये गम ही सही। थैंक यू सर। योर फादर वाज एन अमेजिंग मैन बाबिल, योर फादर वाज एन अमेजिंग मैन, यू नो। आई थैंक यू मोहित जी, आई एम सॉरी, आई विल हैव टू मूव ऑन। और सवाल ऑडियंस रेड शर्ट पीछे जी, आपका नाम बताइए और सवाल जल्दी। मेरा नाम अरबाज खान है जी, मैं बाबिल सर का बहुत बड़ा फैन हूँ ऑलरेडी। और मेरा सर से ये सवाल है, जब उन्होंने अपनी पहली वेब सीरीज के लिए काम करना शुरू करा तो उनका क्या एक्सपीरियंस था एक्टिंग को लेके, और उनके जो पापा हैं वो भी एक बहुत बड़े कलाकार हैं, तो उस चीज़ का बोझ और काफ़ी सारी चीज़ें डायरेक्टर के साथ कैसे घुल मिल के काम करना, प्लीज सर बताइए। एक्सपीरियंस इस कला, अच्छा हाँ, फ्लाइंग किसेस दी जा रही है एक दूसरे को, बताइए। कला वेब सीरीज नहीं, कला फिल्म है, बट नो प्रॉब्लम उनकी, बट आई हैड एब्सोल्युटली, मेरे को कोई एक्सपीरियंस नहीं था। मैंने ऑडिशन किया जस्ट विद प्योर इंस्टिंक्ट और प्योर जो मैंने सबकॉन्शियसली सीखा था देख के, मैं बस चला गया ऑडिशन करने। और किसी तरह अनविता मैम को मेरे अंदर कुछ दिखा, उन्होंने लिया, फिर देन आफ्टर दैट अनविता मैम मुझे 10-15 दिन तक बिठा के ना सब टेक्स्ट पढ़ाती थी। वैसे पढ़ाती थी जैसे हमने कैरेक्टर पैदा हुआ है और अब उसकी ज़िंदगी हम स्क्रिप्ट शुरू होने के पहले से लिखेंगे, तो वो इंसान असली बन गया। वो एक्सपीरियंस मेरा अनविता मैम के साथ रहा। उसके पहले जो मेरा एक्सपीरियंस था मैं आपको आके बताऊँगा, क्योंकि इट्स वो चिट चैट वाली बात है, मतलब स्टोरी टेलिंग है, अभी मैं सबका टाइम ले लूँगा। हम इनको लाते रहेंगे ललन टॉप स्टूडियो में भी और बातों के लिए। पीछे वाइट टॉप में, हाँ, कमिंग वी कमिंग टूवर्ड्स यू। दो लोगों के सवाल है वहाँ पर। इरफान सर रियल लाइफ में कैसे थे, एज अ फादर कैसे थे वो? वी वॉन्ट अ ग्लिम्स ऑफ द लेजेंड इरफान खान।
बहुत मस्ती खोर आदमी थे वो, बहुत हम मतलब बाबर में बहुत बहुत क्लोज थे, वो बेस्टेस्ट फ्रेंड्स, और हम बहुत मस्ती करते थे। मुझे याद नहीं मैं जैसा बाबा के साथ हंसता था, मैं बहुत टाइम से वैसे हंसा नहीं हूँ ब्रो। लाइक जो हम लोग बैठ के हंसते थे ना रात रात भर, वैसे मैं हंसा नहीं हूँ उनके जाने के बाद। Hi Babil. First of all, it was a great loss for Indian cinema once we lost Irfan sir. But everyone is asking question to you. So my question would be for Swastika ma'am. Thank you. Swastika ma'am, I have been following you since Chokher Bali, and like I am a big fan of yours. You have done multiple roles, so much of versatility we could see. So starting from there to this today where you have entered to Bollywood, so why it took so much of time actually to get into Bollywood? Like you could have done it long back. Fair. You have to ask this question to Bollywood. Mic drop moment. They took so much time to have me on board. I was always prepared. You have to ask them this question. उनका लॉस है, मेरा नहीं। सत्य सत्य वचन। शिवानी जी पीछे ब्लैक एंड वाइट टी शर्ट में जो खड़े हैं कैमरा के पीछे, उनका एक सवाल ले लेते हैं। हेलो, गुड इवनिंग एवरीबॉडी। सबसे पहले मैं बाबिल सर को कहना चाहता हूँ कि मैं जब भी मूवी देखता हूँ, एक करीब करीब सिंगल मूवी देखता हूँ मैं उनकी, सर की, इरफान खान सर की, तो उसमें जो एक डायलॉग है कि जब भी मुझे राधा देखती है तो बहुत फूट फूट कर रोती है, तो उनका जो एक्सपीरियंस था, क्या उनकी रियल में एक गर्लफ्रेंड थी ऐसी क्या? ये आप कहाँ पहुंच चुके, हम फिल्म की बात कर रहे हैं, इतनी दूर आप तक हम आए। बताइए आपका सवाल। काला की टीम को एडवांस में। अच्छा, लैलू लैला मजनू में आपकी केमिस्ट्री हमें बहुत अच्छी लगी, आगे कुछ ऐसा देखने मिलेगा। आप लोग कला के क्वेश्चन पूछिए ना, हम यहाँ इतनी दूर बॉम्बे से कला प्रमोट करने आए हैं। हाँ, म्यूजिक की आपने जो बात की, मैं आपसे जानना चाहती हूँ, आपने उनसे काम करवाया है, वरुण ग्रोवर सोनम के से एक्टिंग करवाई है, वो Hello. कैसे हुआ? हेलो मैम, कला का जो म्यूजिक आया अभी, और अमित त्रिवेदी ने जिनको कंपोज किया है, और बहुत ही प्यारा म्यूजिक है उसका, मैं पिछले दो दिनों से लगातार लूप पे सुन रहा हूँ, और मैंने बाकी लोगों को भी सुनाया, सबको पसंद आया है। बाबिल सर का भी उसमें गाना है कोई, और मैम कहती है ये पंडित नहीं है। सवाल ये है कि क्या हम कुछ ऐसा देखने वाले हैं जैसा बुलबुल का एक्सपीरियंस हमारा रहा है, क्या काला में भी हमें कुछ वैसा एक्सपीरियंस या कुछ उससे अलग, क्योंकि ये अनविता मैम का डायरेक्शन है। तृप्ति कला में चुड़ैल नहीं है, इतना तो मैं बोल ही सकती हूँ, मैं भी नहीं हूँ, बाकी तो आपको फिल्म देखना पड़ेगा। कला में सिर्फ मैं चुड़ैल। आपने वरुण ग्रोवर और स्वानंद किरकिरे से एक्टिंग करवाई, उसके बारे में मुझे बताइए। नो दे, वो लोग बिल्कुल सही थे उन रोल्स के लिए, इसीलिए वो फिल्म में थे, और वो मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, वी आर बेस्ट फ्रेंड्स। मैं, अमिताभ भट्टाचार्य, कौसर मुनीर, वरुण ग्रोवर, स्वानंद किरकिरे और अमित त्रिवेदी, हम लोग ऐसे हैं, तो इसीलिए उन्होंने मेरी पिक्चर में गाने लिखे हैं। क्या आप लोग एक व्हाट्सएप ग्रुप पर भी साथ हो, क्योंकि कल कौसर मुनीर और स्वानंद केकरे हमारे स्टेज पर थे और हमने सुना इस व्हाट्सएप ग्रुप के बारे में। एक आखिरी सवाल लेंगे आपसे। या आई जस्ट वांटेड एवरीबॉडी नो दैट व्हाट इज योर वर्क सो फार, बिकॉज यू हैव बीन बिहाइंड द सीन, सो नॉट मेनी पीपल वुड नो एग्जैक्टली, लाइक क्वींस लिरिक्स यू हैव रिटन, सो मेनी थिंग्स यू हैव डन, बट नॉट मेनी पीपल आर अवेयर अबाउट इट, सो जस्ट गिव 30 सेकंड्स इंट्रोडक्शन। भाई साहब, क्या नाम है आपका? सतीश सिंह नाम है सर। सतीश जी, ये महफिल में बड़ी तौहीन होती है कि अगर किसी शख्सियत को अपने हिस्से का परिचय खुद देना पड़े। मैं बताता हूँ आपको अनविता दत्ता कौन है। आप लोगों ने अंग्रेजी का एक एब्रिविएशन सुना होगा, मिलेनियल्स ने, ओजी, ओरिजिनल गैंगस्टर, अनविता दत्ता वो हैं। वो जिस स्वैग के साथ स्टेज पर बैठी हुई, मैं चाहता हूँ कि लल्लन टॉप अड्डे पर मौजूद हर लड़की अपने हिस्से का उतना साहस, उतना करेज, उतना स्वैग, उतनी स्टाइल और उतना टैलेंट लेकर आए। बाकी गूगल में जो इंजीनियर्स बैठे हैं उनकी नौकरी मत खाओ, थोड़ा बहुत गूगल भी कर लेना। प्लीज गिव अ बिग हैंड फॉर टीम कला। अरे
इतनी कमाल की शख्सियत है। स्टैंडिंग ओवेशन, आई थिंक इतना तो हम सब कर सकते हैं। चलिए ऑन आवर फीट फॉर टीम कला एंड ऑल द वेरी बेस्ट। आई नो उनको उस शब्द से दिक्कत है, बट उनकी ये जो जर्नी की शुरुआत है उसके लिए, इनकी भी जर्नी की शुरुआत है एज अ डायरेक्टर उसके लिए।